हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इसहाकदार 4 दिसंबर को पेश हों। आमदनी से जायद असासों के रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का हुक्म आ गया। इसहाकदार की वतन वापसी के लिए 3 से 4 हफ्ते दरकार हैं। जामिन का जवाब, मुसलसल अदम पेशी पर साबिक वजीर खजाना को इश्तिहारी करार देकर जर जमानत जब्त की जाए, ना प्रोसिक्यूटर की सजा। नवाज शरीफ ने एबटाबाद के जलसे में अदलिया मुखालिफ तकरीर की। लाहौर की सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। पुलिस की रिपोर्ट जमा न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। थाना मॉडल टाउन से 4 दिसंबर को दोबारा रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करप्शन और बद इंतजामी पर नोटिस। FBR में ज़ेर इल्तिबा इंक्वायरी, जल्द निपटाने का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। नू लीग हुकूमत, होश के नाखून ले, इस्लामाबाद के जलसे में रुकावटें ना डाली जाएं। कारकुन 5 दिसंबर के गोल्डन जुबली जलसे की तैयारियां जारी रखें। बिलावल भुट्टो का बयान। हुकूमत नवाज शरीफ की हिदायत पर चल रही है। नवाज शरीफ ने कौम को कर्ब और अजियत में मुब्तला कर दिया। लतीफ खोसा की इस्लामाबाद में गुफ्तगु। धरने के मामले पर तमाम फरीकैन को मोहतात रहना चाहिए था। पाकिस्तान को मजबूत जमहूरी इस्तेहकाम की जरूरत है। जावेद हाशमी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगु। सनाउल्लाह के इस्तीफे के लिए लाहौर मॉल रोड पर धरना जारी। जिस इस्तीफे की डिमांड थी वो आ चुका। अपना ओहदा नहीं छोड़ूंगा, वजीर कानून पंजाब का मौके। अमरीका की फिर हर्जा सराई। पाकिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों का इल्जाम, डूमोर का मुतालिबा। सख्त मौकिफ के बावजूद पाकिस्तानी रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। अफगानिस्तान और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के दस्तखत से इश्तहारात भी जारी किए गए हैं। ये इश्तहारात वजीर खजाना की लाहौर और इस्लामाबाद में रिहाइश गाहों के बाहर चिस्पा किए गए हैं। इसके अलावा एहतसाब अदालत के बाहर भी चिस्पा किए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी से। आमिर सईद अब्बासी, अगर वजीर खजाना 10 रोज के बाद भी पेश नहीं होते तो क्या उनको बाकायदा तौर पर इश्तहारी करार दे दिया जाएगा? जी देखिए, दो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। एक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे और मुसलसल गैर हाजिर हैं, जिसकी वजह से उनका केस अलग करके उनके ख़िलाफ़ जो 87 की कार्रवाई है वो शुरू की गई है और उनको बाकायदा मफरूर करार दिया गया था और अब उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। और 4 दिसंबर तक अगर वो पेश नहीं होते तो उनको बाकायदा इश्तिहारी मुलज़िम डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनकी जायदाद कुर्की का जो अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। दूसरी जो कार्रवाई थी वो जामिन के ख़िलाफ़ थी, जिसने ज़मानत दी थी अहमद अली को दूसरी। उनके खिलाफ आज जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने एक बार फिर अदालत से ये इस्तदा की कि उनको 3 से 4 हफ़्ते दरकार हैं इसहाक डार को अदालत में पेश करने के लिए, लिहाजा 3 से 4 हफ़्ते का वक्त दिया जाए। इस पर इसहाक डार की तरफ से जो वकील थे, जो जामिन की तरफ से वकील थे, उन्होंने अदालत से कहा कि इसहाक डार की एनजियोग्राफी भी हुई है, उसकी रिपोर्ट्स का भी इंतजार है। इसकी मुखालफत की नायब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने और उनका यह कहना था कि मुलजिम जानबूझकर अदालत से राय फरार अख्तियार किए हुए हैं, लिहाजा जो ज़र ज़मानत है 50 लाख रुपये की वो जब्त कर ली जाए। लेकिन फाजिल जज ने ये कहा कि आखिरी मौका दे देते हैं जामिन को कि वो मुलजिम को 4 दिसंबर तक अदालत में पेश कर दे और अगर 4 दिसंबर तक मुलजिम अदालत में पेश नहीं होता तो ज़र ज़मानत 50 लाख रुपये जब्त हो सकती है, क्योंकि मुलजिम इसहाक डार को 4 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आमिर सईद अब्बासी। आमिर, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे हुदैबिया केस की। नैब की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुदैबिया केस में अपील ताखीर से दायर करने की वजह नवाज शरीफ, ऐसा कहा गया है दरख्वास्त में। नवाज शरीफ ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया
मामले पर नवाज शरीफ बतौर एग्जेक्टिव अजरअंदाज हुए, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट नाब अपील का माजी के अदालती फैसलों की रोशनी में जायजा लेगी, ये सब कुछ कहा गया है दरखास्त में। इसी पर बात कर लेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान बताइएगा मजीद क्या कहा गया है दरखास्त में। जी बिल्कुल, हुदैबिया पेपर मिल के फैसले के खिलाफ जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, एक और दरख्वास्त नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। और उस दरख्वास्त में नैब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है अपने पुराने मौकिफ से। जब पनामा केस की समाप्त हो रही थी तो नैब ने अदालत में ये मौकिफ दायर अख्तियार किया था कि जो अपील दायर नहीं की गई हुदैबिया पेपर मिल केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे के आगा, उन्होंने ये हदायत दी थी, ये मशवरा दिया था कि हुदैबिया पेपर मिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर ना की जाए। और ये अदालत के रूबरू उस वक्त के चेयरमैन कमरुज़मान चौधरी ने बयान दिया था। लेकिन आज जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें अपील ताखीर से दायर करने की जो वजह है वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को करार दिया गया, और उसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट के जजेस के गैर संजीदा रवैये को भी करार दिया गया है। और ये इस्तदआ की गई है कि जो ताखीर से अपील दायर की गई है नैब की जानिब से, उस कानूनी कदगन को खत्म किया जाए और इंसाफ के तकाजों के लिए और जो सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए नैब की अपील को समाअत के लिए मंजूर किया जाए। ठीक है, शुक्रिया इमरान वसीम। एक और अहम खबर है, कतरी शहजादे हमद बिन जासिम की लाहौर आमद हुई है। 13 रुकनी वक्त भी कतरी शहजादे के हमरा है और आज उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी, जबकि जरा ये बताते हैं कि विफाकी हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म जारी किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, कोर्ट ने भी बुलाया तब तो वो नहीं आए, लेकिन आज वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुँच गए हैं, क्या खबरें हैं अंदर की, क्या मकसद है उनके दौरे का? जी, उनके दौरे का मकसद तो ये बताया जा रहा है कि वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे हैं। लेकिन माजी में ये देखा जाता रहा है कि ये हमेशा इसी जब 1 नवंबर से 31 जनवरी तक जब भी कतरी शहजादे आते थे वो शिकार खेलने के लिए आते थे, लेकिन अभी तक ये पंजाब हुकूमत या किसी भी जानिब से ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो शिकार खेलने के लिए आए हैं लेकिन कहाँ पर आए हैं। लेकिन फिल वक्त जो है वो जो वफद आया था वो जाती उम्र पहुंच चुका है और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, और वहां पर जो है जिसमें शेख हमाद बिन जासिम बिन जाबर के साथ सैफुलरहमान समेत दीगर जो है उनके जो शहजादे शामिल हैं। और इसके अंदर जो है इसको देखते हुए फौरी तौर पर जो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे वो इस्लामाबाद से वो खुसूसी त्यारे से फौरी तौर पर लाहौर पहुंच चुके हैं, वो भी जो है जाती उम्र में इस मुलाकात के लिए मुलाकात में शामिल होंगे। और इस मुलाकात में जो है अहम मामला जेरे को रहेंगे, क्योंकि जब इनको पनामा खत के हवाले से जब पनामा का मामला था तो इनको ये कहा गया था कि इस खत की तस्दीक के लिए वो यहाँ पर आए, और जेआईटी ने भी और अदालत ने भी इनको खत भी लिखा था, लेकिन वो जेआईटी के भी जाने से भी इनको जो खत लिखा गया था तो वो यहाँ पर वापस नहीं आ सके थे। और इनका जो अब 12 जो गाड़ियों का काफिला है उसमें मुस्तफा मोहम्मद उस्मान हादी रशीद बिन मुजफ्फरी और उस्मान समेत जो है दीगर जो शहजादे हैं वो जाती उम्रा जो है वो पहुंचे हैं और वहाँ पर जो है नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हाँ, मुलाकात होगी। शुक्रिया आपका हसन रजा इस बारे में अपडेट करने के लिए। और कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की है, मुशतबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। मुलजिम जुनेद का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम अंसारुल शरिया से बताया गया है। अंसारुल शरिया के सहूलतकारों की फहरिस्त बरामद कर ली गई है और सहूलतकारों में खातून समेत 14 अफराद शामिल हैं। सहूलतकार वारदातों की इराकी में मदद देते थे और सहूलतकार असलहा छुपाने में मदद भी फराहम करते थे। इसी पर मजीद बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शामी। शामिर, कार्रवाई पर अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जिला गर्भी में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान बताया जा रहा है कि एक मुल्जिम जिसका नाम जुनेद बताया जा रहा है इसको जिला गर्भी से गिरफ्तार किया गया है। तमाम जराये का कहना है गिरफ्तार मुल्जिम का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम अंसारुल शरिया से है और जिसके कब्जे से अंसारुल शरिया के ही 14 सहूलतकारों की एक फहरिस्त बरामद कर ली गई है जिसमें खातून का भी जिक्र किया गया है, जबकि सहूलतकारों में फतेह ताबिश अफान नौमान जकी फरहान फुरकान शादमान नामी अफराद जो है वो शामिल हैं। इन अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि तमाम दहशतगर्द तंजीम अंसारुल शरिया के सहूलतकार हैं और इन तंजीम के दहशतगर्दों को वारदात के बाद ना सिर्फ असलाह छुपाने बल्कि इनको पनाह देने के साथ साथ वारदात की रैकी करने भी में भी इनकी मदद फराहम करते थे। तमाम सिक्योरिटी जरा का ये कहना है कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों की तलाश की जा रही है। इसमें एक ताबिश नाम शख्स है जिसके बहन
और भाई के बारे में भी इंकशाफ किया गया है, जो कि इन दहशत गर्दों के सहूलतकारों में शामिल है, उनकी तलाश के लिए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया शामिर। कराची से ही आपको अपडेट करें, यूनिवर्सिटी रोड नीपा चौरंगी पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को दफातर और मंजिल पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी मकदार में यहां सीवरेज का पानी भी जमा है। दफातर जाने वाले परेशान हैं, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर सीवरेज लाइन फट जाने के बायस शदीद ट्रैफिक जैम है। शहरी अजियत का सामना कर रहे हैं। शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ से 6 नंबर तक पूरा ट्रैफिक जाम है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमारे को फंसे हुए यहाँ तक अभी हम पहुँचे। कराची के हालात